आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। ये हमने 1 किलो कद्दू ले लिया है, ये साबुत कद्दू ले लिया है हमने, और ये हरा कद्दू है। इसकी हम चटपटी और स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। अब इसको हम पहले काटेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अब हम इसे कद्दू को काटेंगे। देखिए काशीफल को हमने काट लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे इस तरह से। इसके हम बीज निकाल देंगे ये इस तरह से। इसके हमने बीज निकाल दिए। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। सारा काशीफल हमने काट लिया है ये छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए इसके छिकल चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं हटाया है। अब इसको हम बॉस करेंगे। कद्दू को हमने बॉस कर लिया, अब इसको हम छौंकेंगे। इसे हम बिना मसाले के बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसे छौंकते हैं। ये तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, मेथी दाना को चटकने देंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। अब इसमें हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, ये हमने टुकड़ों में तोड़ लिए। अब इसको हम भुनने देंगे। इसमें 2 तेज़पात के पत्ते डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। लहसुन और लाल मिर्च हमारी भुन गई है। अब इसमें हम एक कद्दू डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको हम ढक देंगे 15-20 मिनट के लिए। बीच बीच में हम चेक कर लेंगे। अब कद्दू को हम चेक करेंगे। इसको हम चलाएंगे। अभी हमें 10 मिनट और पकाना है। इसमें हम ये अचार डाल देंगे। आमचूर हो तो आमचूर डाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से फोड़ लेंगे, करछली से दबाते हुए। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। देखिए गैस को हम बंद कर देंगे। सब्जी हमारी बन चुकी है। देखिए कद्दू की सब्जी हमारी बन के तैयार है। ये इस तरह से बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट और एकदम परफेक्ट बनेगी। ये शादी पार्टियों में भी बनता है, ये सभी को बहुत पसंद आएगा।